उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर। साहब ये देश का विरोध है या फिर सरकार का? अगर जिन्ना वाली आजादी चाहिए शाहीन बाग में, ऐसे वीडियो के जरिए जो बात सामने आ रही है। ये एक चीज है, मेरे बगल में आशुतोष भाई बैठे हैं। हाँ। एक वेबसाइट है sahityhindi.com। उमर खालिद जब वहाँ गए मुंबई के अंदर, वहाँ कोई प्रोग्राम हुआ तो उनके ऊपर भी एक नारा फ्रेम किया गया बीजेपी की आईटी सेल का। हाँ। और इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर, क्योंकि मैंने आशुतोष भाई को उसमें सुना है पूरा इंटरव्यू देखा। इन्होंने झूठ का झूठ अलग कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया। उसके बाद भी बेशरम लोग नई नई डॉक्टेड सीटी लेके सामने आ जाते हैं। सवाल ये उठ जाता है कि आज हाई कोर्ट ने भी कहा कि शाहीन बाग का जो धरना है, जो प्रदर्शन है, उसे नहीं हटाया जा सकता, वो वही रहेगा, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। और अगर इस तरह के जो पोस्टर दिखाते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जैसे वो बंबई के अंदर एक पोस्टर दिखाया गया, उस पोस्टर पे डिबेट हो गई, ऐसे असामाजिक तत्व अगर प्रदर्शन रहते तो जूते मार के बाहर। अच्छा, कितने दिन से ये लोग बैठे हैं? जूते मार के बाहर निकाल शाहीन बाग में कितने दिन से ये लोग बैठे? आज एक 20 दिन से ज्यादा हो गया सर। सरकार इनको वहां से तो उठा नहीं पा रही, आप सबको डराते फिरते हैं कि देश से ही भगा सर। क्या उनका अधिकार नहीं है लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का? वहाँ की महिलाएं पूछ रही हैं, हम देश के नागरिक हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि आज इस देश के नागरिक है नहीं है। वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे पूछ रहे हैं, इस देश के नागरिक है नहीं है। जवाब दीजिए। जब धरना प्रदर्शन होता था लोकतंत्र के अंदर तो सरकारें जाके अपनी जनता से पूछती थी कि आपकी समस्या क्या है, आओ हमसे बात करो। लेकिन ये सरकार जनता के विरोध, जनता के धरनों के विरोध में होती है तो समझ में आती है बात। भगत वाली आजादी की बात होती है तब भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन जब जिन्ना वाली आजादी के नारे लगते हैं सरासर देश के साथ धोखा और गद्दारी है। विद्यार्थियों को हिंसा, अराजकता और आंदोलन का रास्ता छोड़ करके अपने कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग में लगना चाहिए, अपने टैलेंट को, अपने कैरियर को बनाने में लगना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी एक बात सोचनी चाहिए इससे।